हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी आईटीजेई की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का एक सीरीज चलाया, जिसका ये लेक्चर 5 और लेक्चर 6 हम कर रहे हैं। तो आज फिर हम कुछ क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये आप ये मान के चले ये आज की जो ये लेक्चर्स है ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आप जानते हैं 3 अक्टूबर को जो आपका एडवांस होने वाला है, 3 अक्टूबर आज नहीं तो आज 31 सितंबर हो गई है, तो 3 अक्टूबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो मुझे लगता है ये लास्ट लेक्चर आज का। तो अगर देखें आज इस लेक्चर में हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आएँ, 4-5 क्वेश्चंस या 5 या 6 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस सीरीज को हम यहाँ पे रोक देंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है अब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं करवा सकते। इनसे ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप जो फॉर्मूले हैं उनकी शॉर्ट रिवीजन कीजिए और काफ़ी अच्छे से रहिए, अच्छे से सोइए और पेपर देने जाइए। कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो उम्मीद है कि हम ये लेक्चर्स जो ले रहे हैं आज ये लास्ट लेक्चर है, तो आइए जो भी प्रॉब्लम है इनको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, आपको कौन से लापरवाही को हटा के रखने हैं ड्यूरिंग पेपर। जब आप पेपर देते तो वहाँ भी आपको एक फाइट करना होता है, जो 2 साल में आपने पेपर प्रिपरेशंस करा, अगर आपने पेपर में उनको उन सारी प्रॉब्लम को हटा के नहीं रखा तो वो 2 साल की जो मेहनत है वो बेकार हो सकता है। तो हमें इन सारी बातों से बचना है, तो उनके लिए भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ सिक्वेंस ऑफ लेंथ एन फॉर्म्ड By using the digits 0 and 1 such that there are no 2 consecutive ones in the sequence, then the value of a6 into a5 minus a5 ka whole square by 4 minus 5 times an minus an minus 1 upon an minus 2 is equal to where 0 1 0. देखिए ये जो है sequence of length 3 की sequence दे रखा है आपको। क्या आप 010 लिख सकते हैं, 001 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। अगर आप देखें जो सीक्वेंस उन्होंने लिख के दिया है एग्जांपल के तौर पे, वहाँ पे कहीं भी 111 कंजुकेटिव नहीं है, 11 कंजुकेटिव नहीं है। तो ये आपको जो सीक्वेंस करना है, क्रिएट करना, उसमें 1 कंजुकेटिव नहीं होने चाहिए, 2 1 2 1s कंजुकेटिव नहीं होने चाहिए। तो अगर हम देखिए बात ये है कि आपको an सीक्वेंस लिखना है, an सीक्वेंस लिखना, तो मैं n बॉक्स की सीक्वेंस बना रहा हूँ। देखिए ये an है, अच्छा देखिए an में जो होंगे, an जो होगा उसमें n बॉक्स होगा, an का मतलब n बॉक्स होगा, जहाँ पे आपको n बॉक्स में 01 पुट करने का है। तो हम देखिए n बॉक्स बना रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं ये n बॉक्स है अपने पास। तो देखिए n बॉक्स का, अगर हमने n बॉक्स में जो लास्ट बॉक्स है उसमें अगर हमने 1 पुट करा, n बॉक्स में अगर लास्ट 1 बॉक्स में अगर हमने देखिए यहाँ पे 1 पुट करा, ये आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए लास्ट बॉक्स में, जैसे ही आपने 0 पुट करा तो अब जो सेकेंड लास्ट बॉक्स है, मतलब n माइनस 1 जो रिमेनिंग बॉक्स है, उसमें जो लास्ट के सेकेंड बॉक्स है उसमें आप 0 और 1 कुछ भी डाल सकते हो, 0 और 1 कुछ भी पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे ही आपने यहाँ पे 0 डाला तो अब ये an माइनस 1 बन चुका है, क्योंकि सर यहाँ पे फिर से आपके पास फ्रीडम है, कुछ नहीं, जैसे आप an को क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे आप an माइनस 1 को क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 डाला तो यहाँ पे 01 कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 डाल दिए होते या 1 पुट कर दिए होते तो फिर आपको यहाँ पे आपके पास रेस्ट्रिक्शन था, आप सिर्फ 0 पुट कर सकते, क्योंकि 2 consecutive 1 क्रिएट नहीं कर सकते आप। साथ साथ अब दूसरी बात यह है कि सर आपने 1 वाली पॉसिबिलिटी को क्यों नहीं लिखा, तो हम 1 वाली पॉसिबिलिटी को भी लिख रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे बीच में। अब देखिए फिर से n बॉक्स बना लिया आपने, अब देखिए अब हमने क्या करा, 1 बॉक्स जो लास्ट बॉक्स है उसमें 1 पुट कर दिया, जैसे ही 1 पुट कर दिया तो अब हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन आ गए, रेस्ट्रिक्शन क्या आ गए, अब यहाँ पे आप 0 ही पुट कर सकते, 111 तो पुट नहीं कर सकते। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो फिर अब n माइनस 1 बॉक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये आपके लिए ए एन माइनस 2 क्रिएट हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ए एन की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालें तो देखिए an माइनस 1 अपॉन an माइनस 2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ गया। अब इसी में n की वैल्यू, अगर इसी इक्वेशन में हम n की वैल्यू 5 पुट कर दें, n = 6 पुट कर दिया, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, a6 माइनस a5 बाय a4 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 1 आ गया। लेकिन बात ये है कि सर हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, ये वाली जो टर्म्स है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का है। तो देखिए अगर हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करें
तो ये जो लिखा है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए फाइव इंटू ए सिक्स माइनस ए फाइव का होल स्क्वायर अपॉन ए फोर माइनस फाइव टाइम्स ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस टू। तो देखिए जैसे ही इस वैल्यू की निकालेंगे, यहाँ से ए फाइव आपने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही ए फाइव कॉमन लेंगे तो सॉरी ए फाइव कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए सिक्स माइनस ए फाइव बाई ए फोर और माइनस फाइव टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू अभी आपने निकाल चुका है। देखिए इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला ये वन, और ए सिक्स माइनस ए फाइव बाई ए फोर की वैल्यू भी वन, तो यहाँ पे अगर आप वन पुट करते तो ये क्या आ जाएगा, ए फाइव इंटू वन, ए फाइव और माइनस फाइव इंटू वन, यहाँ पे वन पुट कर दीजिए तो माइनस फाइव। अब ए फाइव को, अब हमारा टारगेट ए फाइव को हम कैसे निकालें सर, तो देखिए अभी आपने देखा ए एन की वैल्यू आपने देखा क्या, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू देखा, तो अगर आपने ए फोर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए फोर प्लस ए थ्री। अब ए फोर को आप चाहो तो फिर से इसमें जनरलाइज करो एन को, तो ए फोर को आप क्या लिख सकते हो, ए फोर को लिख सकते हो ए थ्री प्लस ए टू, इसी फॉर्मेशन से ए थ्री प्लस ए टू, और ए थ्री को क्या लिखोगे, ए टू प्लस ए वन। अब इस ए थ्री को फिर से क्या लिखोगे, ए थ्री को अगर आप देखो तो इसको लिख लो क्या, ए टू, ए टू प्लस ए वन, और ये टर्म्स क्या आ गया आपके पास, प्लस टू ए टू प्लस ए वन। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, अगर आप देखें तो थ्री ए टू, थ्री ए टू प्लस टू ए टू, अगर आप देखें थ्री ए टू की वैल्यू तो अभी 2a2, 3a2 प्लस 2a1, 2a1। अगर आपने a2 की वैल्यू देखा तो a2 उन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है, देखिए a2 जो है, a2 का मतलब चार ऐसे वैल्यू, तो a2 की जो वैल्यू है 4 आ जाएगा, a3 आपको गिवन है, तो मुझे लगता है आप a3 तक मूव करने के बजाय ओके, तो आपके पास क्या आ गया, a2 आ गया, तो देखिए a2 और a1 आ गया, तो a2 और a1 को देखें तो a2 और a1 क्या हो सकता है, देखिए a1 की वैल्यू 2 होगा, कैसे, एक बॉक्स होगा, तो इस बॉक्स में या तो आप जीरो पुट कर दें या वन पुट कर दें, तो ये ए वन की वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया, तो अगर हम देखें तो थ्री इंटू ये टू इंटू टू। अब ए टू की वैल्यू देखिए, तो ए टू की वैल्यू क्या, अब आपके पास दो बॉक्स हैं, इस दो बॉक्स में जीरो वन पुट करना, तो जीरो जीरो, जीरो वन या वन जीरो, ये हो गया, तो ए टू की वैल्यू जो है वो थ्री हो जाएगा, तो यहां पर यह क्या लिखेंगे आप, थ्री, तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर, तो इट शुड बी थर्टीन, तो ये वैल्यू थर्टीन आ गया, तो यहाँ से ए फाइव की वैल्यू थर्टीन आएगा, तो थर्टीन माइनस फाइव की वैल्यू जो आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट क्वेश्चन, राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो एट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, ए फाइव तक रिड्यूस किया, फिर ए फाइव को हमने ए फाइव तक ले आया, इनको जो हमारा आंसर आया वो ए फाइव माइनस फाइव आया है, और फिर ए फाइव को हमने रिड्यूस कर लिया, ए फाइव को रिड्यूस कैसे किया सर, इस फॉर्मेशन से, ए एन की वैल्यू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू लिख सकते हैं आप, तो ए फाइव को लिखेंगे आप ए फोर प्लस ए थ्री, फिर से हमने ए फोर को रिड्यूस करा, ए फोर को रिड्यूस करके लिखा ए थ्री प्लस ए टू, और ए थ्री को लिखा ए टू प्लस ए वन, फिर आगे ए थ्री दिखा तो ए थ्री को हम ए टू प्लस ए वन लिखे, और ए टू और ये ए टू और ये ए वन, तो जब हमने इनको कंबाइन करा तो ये वैल्यू थ्री टाइम्स ए टू प्लस टू टाइम्स ए वन आया, और इसकी वैल्यू हमने देखा तो वो थर्टीन आया, तो थर्टीन माइनस फाइव की वैल्यू देखे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एट। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स साइन थ्री थीटा बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स साइन फाइव थीटा बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा, जीरो टू एक्स साइन सेवन थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू इक्वल माइनस पाई क्यू अपॉन एक्स माइनस पाई देन एल बाई थ्री पाई स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए आप जानते हैं आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कि जीरो टू अगर पाए, जीरो टू पाए अगर साइन एन थीटा, साइन एन थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन एन थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू होती है, एन इक्वल टू ऑड पे, एन इक्वल टू ऑड पे जीरो, एन इक्वल टू ऑड पे पाए, और एन इक्वल टू देखिए एन इक्वल टू ऑड और एन इक्वल टू इवन पे पाए, इवन पे जीरो, जब n की वैल्यू ऑड होगा तो वो पाएगा इवन की वैल्यू जीरो हो, n की वैल्यू इवन हो तो वो वैल्यू जीरो आता है, ये आईटी में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप आई एन मानते थे और फिर आप आई एन माइनस टू क्रिएट करते थे, तो उससे क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी और फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की
ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए आप। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट सेम होती तो आप कलब कर सकते हैं दोनों फंक्शन को, तो आपके पास आएगा साइन एन थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन, आपको आई एन माइनस टू निकालने का है। अगर आप उनसे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन एन थीटा बाय साइन थीटा माइनस ऑफ साइन एन माइनस टू थीटा बाय साइन थीटा। और फिर आप एलसीएम लेके उनको अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से ये वैल्यू आपको दिखेगा कि एन की वैल्यू ऑड रहने पे पाई आता है और एन की वैल्यू इवन रहने पे जीरो आता है। दूसरी बात, एक बात सोचिए, आपको पता है लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनता होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू x इक्वल टू पाई पे जीरो बन रहा है सर, तो न्यूमरेटर को भी पाई बनना पड़ेगा। न्यूमरेटर पाई कैसे बनेगा, न्यूमरेटर को पाई अगर x इक्वल टू पाई पे डिनोमिनेटर्स जीरो बनता है तो न्यूमरेटर्स को एट x इक्वल टू पाई पे जीरो बनना पड़ेगा। तो देखिए, अगर न्यूमरेटर को अगर आप जीरो बनाना चाहते हैं एट x इक्वल टू पाई पे, तो जो न्यूमरेटर में पाई क्यू है माइनस फाइव क्यू, तो इनका मतलब कहीं ना कहीं ये जो तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है वो पाई क्यू बन रहा होगा, तभी तो न्यूमरेटर जीरो बनेगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा और हम लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्लियर दिख रहा है, ये पाई, ये पाई, ये पाई, तो पाई क्यू माइनस फाई क्यू अपॉन, तो पाई क्यू माइनस पाई क्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है x की वैल्यू पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो आ जाएगा, तो और ये फॉर्म क्या हो जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा। तो पहले तो हमने फॉर्म चेक करा, ये फॉर्म क्या है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब बात आती है सर इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का ये तरीका, बेसिक तरीका आप जानते हैं कि अगर आपको सॉल्व करना है ये 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 लिमिट को सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन लेबनीज या आप लॉपिटल, पहले तो आप लॉपिटल यूज कीजिए। लॉपिटल क्या कहता है, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी लिमिट जीरो बाय जीरो का हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो आप वहाँ पे एल लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। एल लॉपिटल रूल क्या कहता है, जो न्यूमरेटर में फंक्शंस होते हैं उनको हम अलग डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर्स में फंक्शन होते हैं उनको हम अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक ये जीरो बाय जीरो फॉर्म रिमूव ना हो जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म रेस से बाहर ना आ जाए, तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लॉपिटल का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब देखिए x टेंड्स टू पाई, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इनको देखें तो ये वैल्यू को ध्यान दीजिए, ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई है, जब अगर x की वैल्यू आप पाई रखोगे तब जाएगा ये पाई। तो देखिए, जब आप लॉपिटल लगाएंगे तो लॉपिटल में यहाँ तीन डिफरेंट फंक्शन है तो u v w वाले रूल लगेगी, तो दो कांस्टेंट रहेगा, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए हमने इन दोनों फंक्शन को कांस्टेंट रखा तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आ जाएगा और इनको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनीज यूज आएगा। न्यूटन लेबनीज क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, तो ये क्या इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, न्यूटन लेबनीज क्या कहता है, पहले इस फंक्शन को इस फंक्शन में डालो, ये जो अपर लिमिट है उसको फंक्शन में डालो और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन में डालो और लोअर लिमिट को और लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो। जैसे ही आपने x को फंक्शन में डाला तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3x बाई साइन x, और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 को डालेंगे तो 0 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपने इनको कर लिया, अब क्या करना है आपको, अब इसको वेरिएबल मानना, इन दोनों को कॉन्स्टेंट मानना, तो जिन दोनों को आपने कॉन्स्टेंट माना है उनकी वैल्यू पाई स्क्वायर ही होगी, क्योंकि सर एट x इक्वल टू पाई पे वो पाई स्क्वायर गेन कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन 5x अपॉन साइन x। ऐसे ही लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर इस बार साइन 7x बाई साइन x। आप सोच रहे होंगे सर ये पाई क्यू का क्या हुआ, जब आप डिफरेंशिएट करें तो पाई क्यू का डिफरेंशिएशन जीरो। अब डिनोमिनेटर्स की डिफरेंशिएशन की बारी है, जैसे डिनोमिनेटर्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 बन चुका है। अब देखिए, अब ये लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, डायरेक्ट आंसर्स बना लेते हैं, 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर 3 पाई क्यू। तो यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई है, क्योंकि आप ये जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, तो उस केस में ये वैल्यू तब 1 होती जब ये x भी 0 को मूव कर रहा होता, ये भी 0 को मूव कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे देखिए ये x 0 को मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस काम आएगा। आप क्या करेंगे, x माइनस पाई को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या करेंगे आप इसमें x माइनस पाई को t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो आपके पास आंसर्स आएगा वो आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पहले x माइनस पाई इक्वल टू p, तो फिर क्या हो जाएगा लिमिट p टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा देखिए पाई स्क्वायर। जैसे ही x माइनस पाई को अगर p सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जो वैल्यू है p प्लस पाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x बाय माइनस साइन x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3p बाय साइन p, और फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट साइन
फाइव पी बाय साइन पी इंटू पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सेवन पी बाय साइन पी इंटू पाई स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू को देखें जरा, अब थ्री पी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको थ्री से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो थ्री पी के साथ ये सेट हो जाएगा और ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर जो आ रहा है क्लियर दिख रहा है हमें, थ्री पाई स्क्वायर प्लस यहाँ के लिए इनको वैनिश करने के लिए आपको फाइव से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस फाइव पाई स्क्वायर प्लस सेवन पाई स्क्वायर। तो अगर इस वैल्यू को देखें तो हम फाइव प्लस सेवन प्लस थ्री, तो ये कितनी, ये कितना हो रहा है फिफ्टीन पाई स्क्वायर। तो एल की जो वैल्यू है वो 15 पाई स्क्वायर है, और आपको जो आंसर आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो पूछा है एल बाय 3 पाई स्क्वायर, तो एल की वैल्यू है 15 पाई स्क्वायर अपॉन 3 पाई स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो यहां से न्यूमेरिकल ग्रिड टाइप आंसर्स होगा इनका, और 3 5 जब 15 तो आंसर्स क्या हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपके पास 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5। चलिए देख लीजिए आप, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत कहाँ पे है, देखिए न्यूटन लेबनिज, हमने बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है पता है आपको, इनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें पाए आ रही है, ये वैल्यू पाए आ रही है और ये जीरो बाय जीरो फॉर्म कर रहा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत, IIT ने एक क्वेश्चन पूछ चुका है ये, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है साइन एन थीटा जीरो टू पाए साइन एन थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू जीरो और पाए होती है, जीरो के लिए एन की वैल्यू इवन होता है और पाए के लिए एन की वैल्यू ऑड होता है, तो देखिए यहाँ पे एन की सारी वैल्यू ऑड है 3 5 7। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या मतलब, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7 साइन x, देन द इक्वेशन 1 अपॉन जेड माइनस एफ वन प्लस 2 अपॉन जेड माइनस एफ टू प्लस 3 अपॉन जेड माइनस एफ थ्री इक्वल टू जीरो हैच, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन एफ ऑफ 1 टू 2 एफ ऑफ 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें कैसे करें, तो पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा, पहले एफ एक्स को देखते हैं, पहले एफ एक्स को स्टडी करते, क्यों ना कहीं ना कहीं सर एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए अगर हम एफ एक्स को देखें तो एफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7 साइन एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालें आप, एफ डेस एक्स की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 और यहां पे क्या आ जाएगा ये 7 cos x प्लस 7 cos x। अब देखिए ये जो है ये क्वाड्रेटिक है, इसकी d लेस देन 0 है, क्योंकि अगर आप देखें तो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस d बाय 4a, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा माइनस d बाय 4a, माइनस डी बाई फोर ए के कॉन्सेप्ट से अगर हम इनका मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी, तो अगर यहाँ से देखें तो माइनस 1200 बाई 2a, 2a की वैल्यू क्या होगा 6, तो अगर ये वैल्यू देखें तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है 400, अगर हम डिवाइड करें ये ऑलमोस्ट 200 के पास की वैल्यू, मुझे पता नहीं है ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है ये वैल्यू 190 से ग्रेटर देन होगी, 190 से बड़ी होगी, ठीक है 190 से बड़ी होगी, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 190 से बड़ी होने वाला है, तो अगर 7 cos x कुछ भी होगा ना सर तो माइनस 7 से लेके प्लस 7 तक जाएगा, तो अगर माइनस 7 आप सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे तो ये एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, इनका मतलब क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो मतलब जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है किसी भी एक्स के लिए, तो इनका मतलब अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव हर एक्स के लिए पॉजिटिव होता तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से आप कह सकते हैं सर एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन एफ ऑफ 2 होगा और ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 होगा, ठीक है एफ ऑफ 3 को हम ए कॉल कर लेते, मान लीजिए हमने इनको ए कॉल कर लिया तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है एफ ऑफ 3 को ए कॉल कर लिया, एफ ऑफ 2 को बी कॉल कर लिया, एफ ऑफ 1 को सी कॉल कर लिया, ए बी सी, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होगी, बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी होने वाला है क्योंकि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स की बड़ी वैल्यू डालते हैं तो आउटपुट भी बड़ी वाली आता है, ओके तो ये हो गया। अब बात आती है सर क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करोगे, तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें इनकी रूट्स चाहिए कि इसकी 1 अपॉन जेड माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 को हमने सी कॉल कर लिया है, ठीक है तो जेड माइनस सी
प्लस टू अपॉन जेड माइनस बी प्लस थ्री अपॉन जेड माइनस सी जेड माइनस ए, इसकी वैल्यू जीरो चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो चाहिए। तो अगर हम देखें इनका वैल्यू जीरो का क्या मतलब है, न्यूमरेटर जीरो कब होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। तो हम एक फंक्शन मानेंगे, कौन सी फंक्शन मानेंगे, देखिए अगर हम इन फंक्शन को अरेंज करें, जरा इसको अरेंज करें, तो देखिए अगर हम इनको अरेंज करें तो ये क्या होगा, जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस ए, फिर क्या आएगा टू टाइम्स जेड माइनस सी इंटू टू टाइम्स जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस सी, और फिर क्या आएगा प्लस थ्री टाइम्स जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर आप इनको जीरो बनाना चाहते हो तो इस फंक्शन को आपको जीरो बनाना पड़ेगा। तो हम क्रॉस ऐसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हमने इस फंक्शन को एक नई फंक्शन मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को जाके एक नई फंक्शन मानेंगे जी एक्स। तो सोचिए जी एक्स हमने एक फंक्शन मान लिया, जी एक्स जो फंक्शन होगा क्या होगा, जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस ए, क्या होगा जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस ए प्लस टू टाइम्स जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस ए, टू टाइम्स जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस ए प्लस थ्री टाइम्स जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस बी, ये एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, ये जी एक्स हमारा एक फंक्शन आ गया। अगर आप देखें जी एक्स ये फंक्शन आ गया, तो अगर हम जी ऑफ ए की वैल्यू देखें, जी ऑफ ए क्या था याद है आपको, ए की जो वैल्यू थी उसको हम एफ ऑफ थ्री कॉल कर रहे थे, याद है हमने कॉल किया था एफ ऑफ थ्री। तो अगर हम जी ऑफ ए निकाले, तो जी ऑफ ए निकाले तो देखिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई थी, ए गर्दन बी गर्दन सी, क्या था ए गर्दन बी गर्दन सी। तो देखिए अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ ए निकाले, जी ऑफ ए की वैल्यू देखे, तो जी ऑफ ए क्या आ रहा है, देखिए ए डालेंगे तो ए गर्दन ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए माइनस ए, तो ये तो जीरो बन गया ए माइनस ए, और फिर क्या आएगा टू टाइम्स ए माइनस सी इंटू ए माइनस ए, फिर क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a माइनस ए तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया। अब देखिए यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, a की वैल्यू c से बड़ी तो ये भी पॉजिटिव, a की वैल्यू b से भी बड़ी तो ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, g ऑफ a जो है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, g ऑफ a ग्रेटर देन जीरो। ऐसे ही अगर हमने g ऑफ b को डिटेक्ट किया, g ऑफ b क्या होगा, देखिए जैसे ही g ऑफ b निकालेंगे तो b वाली ये टर्म्स जीरो, ये वाले टर्म्स जीरो, बचेगा क्या आपके पास टू टाइम्स b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। तो अगर आप देखें तो b की वैल्यू c से छोटी है, b की वैल्यू क्या आ रहा है, हाँ तो देखिए यहां पे a ग्रेटर देन c है तो a की वैल्यू b से भी बड़ी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब अगर b c जो b है वो c से छोटा है, b जो है वो c से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव, और b ग्रेटर देन a b माइनस a की वैल्यू बड़ी है तो ये निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, g ऑफ b लेस देन जीरो। यहां से आप क्या कह सकते हैं, g ऑफ b लेस देन जीरो। यहां पे g ऑफ a ग्रेटर देन जीरो आया, g ऑफ b लेस देन जीरो आया, अब g ऑफ c की बारी है, जी ऑफ सी चेक करते। देखिए सी जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये जीरो, ये वाली टर्म्स जीरो, तो यहां पे क्या आ जाएगा सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब देखिए सी जो है दोनों जगह छोटी है, बी से भी छोटी है और ए से भी छोटा है, तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी सी माइनस ए, तो दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर से यहां से आप कह सकते हैं सर इट्स इंप्लाइज जी ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो। फिर से देखिए इनका मतलब क्या सर, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इनका मतलब क्या, जब आप जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है तो ए ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो देखिए ए बी सी, ए क्या है हमारा एफ ऑफ वन, ए की वैल्यू बड़ी है तो ए यहां पे मान लीजिए ए, यहां पे बी, और सी की वैल्यू उनसे भी छोटी है, तो देखिए सी पे वैल्यू क्या है निगेटिव, तो ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, फिर ऊपर जाएगा पॉजिटिव बनेगा, तो मतलब बीच में क्रॉस क्या होगा, फिर ए पे क्या है ग्रेटर देन जीरो। देखिए सी ए ग्रेटर देन जीरो है और सी पे लेस देन जीरो, सी पे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हाँ तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो देखिए
अपना जी ऑफ सी जो है वो गर्दन जीरो पॉजिटिव, और जी ऑफ बी निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि सर जो सी है, सी आपका क्या है, याद है आपको एफ ऑफ वन, सी की वैल्यू को एफ ऑफ वन, और ये एफ ऑफ टू, और ये एफ ऑफ थ्री। तो आप कह सकते हैं जो सर रूट्स होगा वो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू के बीच में होगा, और एक रूट्स एफ ऑफ टू और एफ ऑफ थ्री के बीच में होगा जी एक्स का। तो अपन अगर हम इनकी बात करें तो इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट्स तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू के बीच में, और दूसरी रूट्स एफ ऑफ टू और एफ ऑफ थ्री के बीच में। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ लाइन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, गिवन अ लाइन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टचेज द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी फाइव एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा एंड बीटा कोमा एफ ऑफ बीटा देन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स एक कर्व है और वो कर्व क्या है, फोर्थ डिग्री का कर्व है, और उसको एक लाइन दो जगह टच करती है, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करता है। देखिए कर्व का कैसा लोकेशन होगा, मान लीजिए ये कर्व ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, तो ये लाइन टच कर रहा है, ये लाइन क्या है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करता है, ये हमारा क्या है एफ एक्स। तो कर्व सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, या आप ऐसा कह सकते हैं, तो देखिए ये जो कर्व है हमारे पास, तो ये कर्व जो है वो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो सिचुएशन ऐसा होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए जब भी कोई लाइन किसी कर्व को टच या इंटरसेक्ट करता तो हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट या टचिंग पॉइंट निकालने का ये भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या हम दोनों कर्व को, आपको पता है अगर आप दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, या आप दोनों का ग्राफ बना लीजिए, जो कर्व इंटरसेक्ट करता है तो इनका मतलब वो पॉइंट जहां पे दोनों पॉइंट्स कॉमन हो, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर हम इन बातों को देखें तो देखिए अगर इस लाइन को इस कर्व के साथ आप सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगा जहां पे ये लाइन और इस कर्व पे एक कॉमन पॉइंट है, एक या दो जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं। तो समझिएगा ध्यान से यहां पे, तो अगर हमने इनको सॉल्व करा, मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी फाइव, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करने से क्या होगा, इनको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगा जहां पे वो कॉमन पॉइंट, एक्स की वो वैल्यू मिलेगा या वो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों कर्व पे लाइक कर रहा है, या आप ये कह सकते कॉमन पॉइंट मिल जाएगा अगर आप ऐसा प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कॉमन पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो अगर आप देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन प्लस ए इंटू एक्स प्लस थर्टी फाइव माइनस बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए अब हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक आया, एक बाइक्वाड्रेटिक आ गया जिनके दो रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होंगे, अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, और ये क्या है, ये पॉइंट्स बीटा कोमा एफ ऑफ बीटा, बीटा कोमा एफ ऑफ बीटा, ये पॉइंट, तो इनके दो रूट्स हैं, कौन कौन सी दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो इनका मतलब सर अगर ये टच करके निकल रहा है ये लाइन, तो कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा रिपीटेड रूट होगा, नहीं तो आप देखोगे तो एक वाई क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स कैसे संभव है, तो फोर रूट्स होंगे और ये रिपीटेड रूट्स होंगे, कहीं ना कहीं ये लाइन टच करके निकल रहा है, तो अल्फा और बीटा जो होंगे वो रिपीटेड रूट्स होंगे, इसका क्या होने वाला है, रिपीटेड रूट होगा इस वाई क्वाड्रेटिक का। रिपीटेड क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है इनको टच करके कलर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो यहां से आप कह सकते हैं इस बाई क्वाड्रेटिक का रिपीटेड रूट होगा, और रिपीटेड रूट कौन सी है, अल्फा और बीटा। तो हम देखें x टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन प्लस ए इंटू एक्स प्लस थर्टी फाइव माइनस बी को आप ये भी तो लिख सकते हो,
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं आप, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब बात आती अगर आप देखें तो इसको आप कलम करेंगे तो देखिए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो ये अपने आप एक क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, क्योंकि आप एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को कॉमन लीजिए, फिर एक एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को कॉमन लीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम मान लीजिए ये लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन प्लस ए इंटू एक्स प्लस थर्टी फाइव माइनस बी, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब सोचिए आप आगे क्या करेंगे, अगर आपने इनको ओपन करा और कंपेयर कर लीजिए, जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे और कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिले कैसे जाएगा, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। कंपेयर क्या करेंगे, आप इनको भी ओपन कर लीजिए सर, इनको भी ओपन कर लीजिए और फिर आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इन वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इनको खोलेंगे तो इसको ओपन करते हैं, तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए तो हमारे पास जो था एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन प्लस ए इंटू एक्स, और ये क्या था प्लस थर्टी फाइव माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक था उनको हमने एज्यूम कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन हमने एज्यूम किया था, तो प्लस एन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस टू टाइम्स एम एक्स इंटू एन प्लस टू टाइम्स एन इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कैसे करेंगे सर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर फोर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर फोर अभी बैलेंस्ड है, तो अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे क्या आ रहा है, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर और क्या आ रहा है यहां पे ये, तो देखिए अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करें तो यहां से जो वैल्यू आने वाला है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें तो यहां से माइनस इलेवन और इसकी वैल्यू इधर क्या आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम स्क्वायर और इधर कहां पे है, तो देखिए इधर अगर हम कोफिशिएंट देखें तो ये वैल्यू टू एन है, तो एम स्क्वायर प्लस टू एन एम स्क्वायर प्लस टू एन। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहां से टू एम आ रहा है, तो टू एम की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए 2 इक्वल टू टू एम, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, m इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू 1 यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n इक्वल टू माइनस सिक्स, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू माइनस सिक्स, तो m n निकल चुका है अपना, जो हमारा m और n अननोन है। उसके बाद a और b की वैल्यू बात करते हैं, तो देखिए कोफिशियंट ऑफ x देख लेते, तो देखिए कोफिशियंट ऑफ x कहां पे है, तो कोफिशियंट ऑफ x इधर देखिए क्या है 2mn 2mn coefficient of x, इधर क्या है coefficient of x ये है minus 13 plus a 2mn और यहाँ पे minus 13 plus a, देखिए mn अभी आपने निकाला है तो mn की वैल्यू minus 6 तो minus 12 equal to minus of 13 plus a की वैल्यू जो है वो निकालना है हमें, तो अगर हम देखें इस वैल्यू को तो minus 1 तो a की जो वैल्यू है a equal to minus 1 आ जाएगा, a equal to minus 1 जैसे ही पुट करेंगे तो minus 12 equal to minus 12, तो आपके पास a भी आ गया। अब किसकी बारी है, अब अगर हम कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो कांस्टेंट टर्म्स हमारा क्या है n स्क्वायर, n स्क्वायर इधर देखिए n स्क्वायर कांस्टेंट टर्म्स और इधर क्या है 35 माइनस b, 35 माइनस b, तो देखिए n की वैल्यू हमने निकाला माइनस सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 35 माइनस b, तो अगर हम b की वैल्यू निकाले तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से b इक्वल टू माइनस 1, तो आपके पास हर कुछ आ गया, ए भी आ गया। अब बात आती है ए भी आ गया, अब वो रिलेशन आप ढूंढ लेंगे, उनके बाद अल्फा और बीटा की बात करते हैं। सर अल्फा बीटा क्या है, तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का सम ये याद है ना आपको, ये किसकी मल्टीप्लिकेशन है,
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को हम क्या लिख रखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस है, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो निकाल लीजिए। देखिए अगर हमें देखना ये है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, माइनस एम के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस एम के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एन के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, सारी वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा भी आप निकाल पाएंगे और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल पाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम, तो माइनस एम पता है, तो देखिए रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है और अल्फा इंटू बीटा माइनस एम की वैल्यू भी बराबर है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, एम की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना, वन, एम की वैल्यू वन निकाला और एन की वैल्यू माइनस सिक्स निकाला है। तो देखिए एन की वैल्यू वन डालेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो सिक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस सिक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या निकाला आपने, सिक्स एन के बराबर, तो ये माइनस सिक्स, तो प्लस सिक्स हो जाएगा माइनस सिक्स, तो इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, और ए इक्वल टू माइनस टू। देखिए अभी हमने ए भी निकाला, ए की वैल्यू माइनस वन और तो कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू वन। तो देखिए ए की वैल्यू जो था हमारे पास, ए इक्वल टू माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन, तो वन वन टू, और अगर आप देखें तो माइनस टू, टू माइनस वन, तो वन, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी यहां से करेक्ट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी। तो ये चेक कर लेंगे, फिर भी अगर कोई भी इशू रहता तो आप क्रॉस चेक कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्या है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स, जी एक्स सेटिस्फाई माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन है उनका यूज करते हैं अपन। देखिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, ये माइनस वन टू वन में अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है, माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। एक बात बताइए, माइनस वन टू वन में देखिए ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन वाली टर्म्स जीरो होती है माइनस वन टू वन, और रिमेनिंग टर्म्स जो है वो टू टाइम्स एड हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, जीरो टू टू टाइम्स जीरो टू वन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इधर देखें तो इस वैल्यू को देखें तो यहां से अगर आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वन टू वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए फिर से यहां पे ऑड टर्म्स आया, तो ऑड माइनस वन से वन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जीरो हो गया, तो बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो अगर आप देखें तो ये भी टू टाइम्स क्या आ जाएगा, टू टाइम्स फ्रॉम जीरो टू वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू डालेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए क्यूब बाय ए एक्स क्यूब बाय थ्री, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय थ्री, ओके, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, वन डालेंगे तो बी स्क्वायर क्रिएट हो गया। और यहां पे अगर हम इस वैल्यू को डालें, इनको इंटीग्रेट करें, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स क्यूब बाय टू, तो ए बाय थ्री, और अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ जाएगा, बी बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी, टू से टू भी कैंसिल कर लीजिए, तो हमारे पास जो रिलेशन आया एक ए स्क्वायर, तो देखिए रिलेशन जो है ए स्क्वायर बाय थ्री, ए स्क्वायर बाय थ्री, ए स्क्वायर बाय थ्री प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वो ए बाय थ्री प्लस बी, ए बाय थ्री प्लस बी के बराबर। तो अगर हमने एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस थ्री बी, इनको इस तरफ ले आए आप तो ए स्क्वायर माइनस ए
3bs क्या है, +3b = 0, ये आ गया हमारे पास एक इंफॉर्मेशन। अब इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है सर वो है -1 to 1 f(x) का होल स्क्वायर। f(x) क्या है, ax + b का होल स्क्वायर। तो देखिए -1 to 1 f(x) का होल स्क्वायर, तो ax + b का होल स्क्वायर dx, ये वैल्यू निकालना है। तो जब आप इनको देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 to 1 a² x² + b² + 2ab x इंटू डी एक्स। तो देखिए ऑड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ऑड फंक्शन है तो 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 1, और ये क्या हो जाएगा a² x² + b² dx। अब हम इनको अगर इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो a² / 3, और हमें क्या चाहिए +b². तो अपन को ये वैल्यू चाहिए 2 टाइम्स a² / 3 +b² इसके वैल्यू चाहिए। और इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो जरा ध्यान से देखें इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इनके मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालने का है। क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का है। तो देखिए एक बात समझ में आ रहा है क्या, इनको देख के आपको लग रहा परफेक्ट स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर हम देखें इसका परफेक्ट स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, a - 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, +1/4 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, -1/4 भी बाद में करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, +3 कॉमन लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा b² + b, सोचिएगा जरा ध्यान से, और +1/4। तो आपने देखा, आप देखिए यहां पे +1/4 किया = 0 जाता, जो 0 है +1/4, इधर भी 1/4 कर दीजिए, और यहां आपने 3/4 ऐड किया, तो 3/4 को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां भी 3/4 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1/4 + 3/4 की वैल्यू 1। अब देखिए आपको ये एक इलिप्स वाला फील आएगा, ये -1/2 का होल स्क्वायर +3 टाइम्स b + 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे सर ये माइनस होनी चाहिए, तो ये माइनस कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो b- ये आ जाएगा, है ना। जब आपने कॉमन लिया तो उम्मीद है ये चीजें सही है, b - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर जैसे ही आप देखें तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये एक इलिप्स बन रहा है, a - 1/2 का होल स्क्वायर / 1 का स्क्वायर + b - 1/2 का होल स्क्वायर / 1/√3 का होल स्क्वायर = 1। तो आपको पता है इस टाइप के इलिप्स में हम वैल्यू फंक्शंस कैसे लेते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है आपको, a - 1/2 को क्या लिखते हैं, a - 1/2 को 1 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 + cos थीटा। और ऐसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म से देखें तो b - 1/2 की जो वैल्यू आप लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, 1/√3 के बराबर, किसके बराबर, 1/√3 sin थीटा, 1/√3 sin थीटा के बराबर। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, b = 1/√3 sin थीटा +1/2। अब देखिए a की वैल्यू भी मालूम है आपको, b की वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, फिर तो आप मैक्सिमम कर ही सकते हैं उनको। तो देखिए अगर हमने इनकी वैल्यू पुट किया तो 2 टाइम्स a² तो ये 1/3, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 + cos² थीटा। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो +cos थीटा, अच्छा +b² को देखिए तो ये क्या हो जाएगा, sin² θ/3 +1/4, और अगर इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करा तो ये क्या हो जाएगा, sin θ/√3, sin θ/√3। अब देखिए जैसे ही आपने 1/3 को कॉमन लिया तो 1/3 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, और ये 1/3 को मानेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 + cos² θ + cos θ + sin² θ, और 1/3 आपने कॉमन लिया तो यहां पे 3 नहीं था तो आपने क्या करा, 3/4 लिख लिया इनको, और यहां पे 3 नहीं था, √3 था, तो +√3 sin θ, √3 sin θ। ओके, अब देखिए ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 × 1 + 1 2 + अब क्या बचा आपके पास,
कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा, इस वैल्यू को देखिए। अब इनको देखिए कुछ क्या रहा है, ये तो सर सिंपल फंक्शन है, इलेवेंथ में आते ही हम पहली बार जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाते तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ाते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर ऐसी फंक्शन हो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करता है ये वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री इंटू टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू से लेके प्लस टू तक लाई करेगा। तो देखिए जैसे ही अगर ये माइनस टू होता तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर मैक्सिमम चाहिए होता तो टू करेंगे तो टू बाई थ्री प्लस टू इंटू टू तो ये इंटू फोर, तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए, एट बाई थ्री। तो एट बाई थ्री जीरो से लेके इस फंक्शन की वैल्यू एट बाई थ्री तक जाने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, एट बाई थ्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट बाई थ्री। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का क्या होने वाला है, वो जीरो है, तो एट बाई थ्री, जीरो से एट बाई थ्री राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू एट बाई थ्री। अब देखिए यहां तक हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो डिस्कस हो चुका है। अब देखिए फिर से ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका जो एडवांस का एग्जाम, हम उम्मीद करते हैं आपकी पेपर बहुत ही अच्छी जाए, जो आपने मेहनत करा अभी तक वो उतना ही रिफ्लेक्ट हो जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जो आपकी एक एम हो, हम चाहते हैं कि आप उस एम को लेके सफल हो और आप अपनी पेपर बहुत ही अच्छे से दे। फिर मैं बार कह रहा हूँ, मैं जैसा कि मैं आपसे क्लास में कहता हूँ, आपने ये जो जेई मेंस के रिजल्ट के बाद जो है और अभी का जो टाइम है, इसमें आपने अपने स्लीपिंग साइकिल का भी ध्यान रखा होगा, स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखा होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि एडवांस की जो पेपर होती है, जो आप जानते हैं पहले के टाइम में 9 to 12 और 2 to 5 होती है, तो हमने आपसे ये कहा था स्लीप साइकिल का ऐसे आपको ध्यान रखना है, तो 9 to 2, 9 to 12 और 2 to 5 में आपको कभी सोना नहीं है, आप कंटिन्यू, या मेरी मानो तो जैसा कि मैं आपसे क्लास में कहता था कि ऑलमोस्ट अभी जेई मेंस से एडवांस के बीच में आप दिन में सोना ही बंद कर दें। क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट खराब किया है ये, क्योंकि वो अभी हम तो क्लास लेते नहीं है इन चीजों का, ये ध्यान रखें। अभी क्या होता है, अभी के टाइम में हमने आपको प्रिपरेशन के लिए दे दिया, तो अभी क्लासेस होती नहीं, पहले क्लासेस होती थी तो आप रेगुलर आते थे, तो मतलब आप एक्टिव रहते, दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता। अभी क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चे क्या करते हैं अभी प्रॉपर सोनी, मतलब जब भी हो ना उनकी कोई टाइमिंग नहीं है सोने का, भर रात उन्होंने क्या करा, पूरी रात जग के पढ़ा और पूरी दिन सो गया, तो इससे क्या होता है आपके स्लीपिंग साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए आप 9 से 12 की पेपर है और आपका हमेशा वो आदत है, हैबिट हो गया है कि इस एक महीना आप 9 से 12 सोने का, तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके ब्रेन की जो इफिशियंसी वो कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने उन सारी बातों का जो मैंने आपसे क्लास में कहा था उनका ख्याल रखा, तो और आप जो भी और जितनी भी सिली मिस्टेक करते हैं आप उन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, कोई भी लापरवाही नहीं करना, आप ये समझे आपके आपके लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, उस हिसाब से आप जाएं पेपर में परफॉर्मेंस करें और बहुत सोच समझ कर, डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं आपसे एक क्वेश्चन नहीं बना और आप डिप्रेस हो गए उन टाइम को लेके, तो ये सारी बातों का ख्याल रख के आप एनर्जेटिक रहें पेपर के दौरान। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये जो पेपर के दौरान है फुल्ली की फुल्ली 3 आवर्स की पेपर और फिर से 3 आवर्स की, आपको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं कुछ भी सोचना नहीं, निगेटिव सोचने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप पूरी मेहनत के साथ पेपर देंगे और पूरी जैसे भी मैंने आपसे कहा उन सारी बातों को फॉलो करेंगे जो हम आपसे क्लास में भी कहते हैं, उन सारी बातों को फॉलो करके आप पेपर देंगे। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IIT JEE, आप अच्छे से पेपर दें, थैंक यू।